तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि सबको अपने आर्म्स बड़े करने हैं, और मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि अपना ट्राइसेप टू बाई थर्ड रेशियो में होता है। तो मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आपको मोस्ट ऑफ किसी ने नहीं बताएगी, और वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको उसके अंदर सारे मसल आपके ट्राइसेप के हीट हो जाएंगे। तो अगर ये मैं एक्सरसाइज जानी है तो आपको वीडियो को एंड तक। खड़े होके भी मार रहे हैं, वो भी सो के भी मार रहे हैं, और उसको ऐसे करके भी दबा रहे हैं, कोई बैठ के मार रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ लोगों को ये नहीं पता कि कौन से हेड किस तरीके से हिट। ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको वो वर्कआउट का पता होना चाहिए कि वो वर्कआउट से आपका कौन सा मसल हिट हो रहा है। एटलीस्ट आपको मसल एनाटॉमी जाननी होगी कि बाइसेप में कितने हेड हो रहे हैं, ट्राइसेप में कितने हेड हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाइसेप में वर्कआउट है तो आपको सिर्फ डंबल से मारना है, बाइबल से मारना है। एटलीस्ट आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कितनी एक्सरसाइज होती है, वो कौन से मसल हिट करती है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्राइसेप के ऊपर, ट्राइसेप एनाटॉमी। तो जो भी साइंटिफिक वे से मैं समझा दूंगा कि किस किस तरीके से आपको कौन से मसल हिट करने और कौन से हेड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये फिगर ट्राइसेप की, तो जैसे सबको पता है कि अपने ड्राइंग में उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो इसकी तीन हेड होते हैं ट्राइसेप के टोटल। पहला ये लैटरल हेड जो कि यहाँ से शोल्डर से बाहर की साइड में जुड़ा हुआ होता है, और लॉन्ग हेड जो पीछे की साइड का होता है, और मीडियल हेड जो सबसे छोटा होता है। तो जो बंदे जो स्मार्ट होते हैं वो लॉन्ग और लैटरल पे हिट करते हैं। एटलीस्ट उनको पता है कि कौन से हेड को हिट करने से अपने ट्राइसेप बड़ी हो जाएगी और जल्दी पंप हो जाएगी। मीडियल हेड एक छोटा मसल है, बट हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे फ्लैक्स कर दो तो वो हेड बहुत अलग से अच्छे से बाहर आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी मसल को अच्छे से हिट करो। तो ट्राइसेप को जो तीनों मसल है उसको हिट करने के सिर्फ तीन ही आपके पास वेरिएशन है। सबसे पहली तो ये वाली, तो इसका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और दूसरी होगी वो ये वाली, और इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, और तीसरी होगी वो ये वाली। ऐसे नॉर्मल वेरिएशन, लेट्स सपोज कि आप पुल डाउन मार रहे हो, पुश डाउन मार रहे हो, तो ये वाली मूवमेंट हो गई। तो इससे आप समझ लोगे कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लॉन्ग हेड के ऊपर। तो लॉन्ग हेड का जो वर्कआउट है आप सबसे पहले शुरू कीजिए, क्योंकि वो शुरू करने से आपको एक अच्छा सा पंप आएगा, और वो मसल मेजॉरिटी में आपको सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना होगा। बहुत सारे लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो अगर मैं कोई भी वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले अपना वार्म अप ले लेता हूँ, इससे क्या अपने बॉडी अच्छे से मूवमेंट होगी। तो लॉन्ग हेड की जो मूवमेंट होगी वो ये वाली होगी, लेट्स सपोज आप देख सकते हो। तो इसकी जो मूवमेंट होगी कुछ इस तरीके की होगी। तो उस हिसाब से जो हमारी सबसे पहली वर्कआउट एक्सरसाइज होगी वो डंबल ओवरहेड होगी। तो आप जो वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं तो उनका हाथ हेड से बहुत पीछे चला जाता है, और कुछ लोगों का हेड से बहुत आगे चला जाता है। लेट्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वही आपको एकदम कंट्रोल मोशन में रखना है। आपको हेड के रेंज में ही आपका हैंड सेट करना है। तो जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो केबल पे होगी, केबल मशीन के ऊपर। उसके अंदर आपको रोप के थ्रू करनी है ओवर हेड में। तो वो आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करनी है, जैसा आपको डंबल ओवर हेड में रोजते हैं वैसे आपको उसमें परफॉर्म करना है। जो मेन चीज़ है वो भी मैं ये बता देना, इसकी मैंने दो एक्सरसाइज इसके लिए लेता हूँ हमेशा, क्योंकि ये एक बड़ा मसल है। एक एक्सरसाइज से जल्दी इसके अंदर अच्छा पंप नहीं आता, तो आपको ये दो एक्सरसाइज में परफॉर्म करना होगा। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि तो जो हमारी जो लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज होगी वो ट्राइसेप पुश डाउन होगी। तो
जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो रीडर हेड को हिट करेगी, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप बारबेल एक्सटेंशन। तो वो मेजोरिटी वो आपको बेंच प्रेस जैसी लगेगी जो चेस्ट के लिए होगी, और वो ऐसी नहीं होगी। जो बेंच प्रेस में जो रूल होते हैं वो एल्बो आपके बाहर की साइड होते हैं और ये आपके अंदर की साइड होते हैं। अंदर की साइड मतलब पूरा एकदम अंदर की साइड आपको टच करके नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएशन रखना है। तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, जो मैंने चार तो पोस्ट ऑफ पहले ही बता दिया, दो लॉन्ग की हो गई, एक लेटरल की हो गई और एक मिडल की हो गई, तो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो ओवरऑल सबको हिट कर दे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक सीक्रेट एक्सरसाइज बताऊँगा, तो उसके अंदर आपको ये करना है, आपको बेंच पे आपको स्कल क्रसर परफॉर्म करनी है। तो आपको स्कल क्रसर परफॉर्म करने के बाद आपको उसके अंदर जो भी 12-16 रैम है वो आपको निकालना है, और उसके बाद बिना ही आपको ड्रॉप किए हुए आपको उसके अंदर ट्राइसेप पुश डाउन मारने, जैसे आपने बेंच पे मार दिया, वो आपको दोनों एक्सरसाइज साथ में परफॉर्म करनी होगी। और उसके अंदर आपकी जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो एटलीस्ट 16-20 होगी। आपने अगर 16 रैम आपने स्कल क्रसर पे मारे तो आपको उतने ही रैम आपको प्रेस पे भी मारने होंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके इसके अंदर सारे मसल हिट हो जाएंगे और आपको एक अच्छा सा पंप मिलेगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हो और कौन से मसल के ऊपर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट में